हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेवरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का लीग स्टेज, जो कि अब अपने अंतिम मुकाम पे आ गया। वहीं अगर 5 टीम ने सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर लिया, अब बचे हुए 3 प्लेस के लिए कई टीमों में फाइट भी देखने को मिल रहा है, जहां पे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह बना ली। वहीं कई बिग टीम जैसे न्यूजीलैंड, श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच नंबर 35 में। एक तरफ फॉर्मर चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच एक प्रैक्टिस जैसा होगा, जबकि स्कॉटलैंड के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो यह मैच जीतना ही होगा। यह मैच 16 जून 2024 को डैरन सैमी स्टेडियम संत लुसिया में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिनों मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी 71% रहेगा और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच आमतौर पर वेस्ट इंडीज की सतह जैसी है। यह आमतौर पर पारी की शुरुआत में बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है और गेंद आसानी बल्ले पर नहीं आती है। बीच के ओवर में स्पिनर को मदद मिलेगी जब गेंद पिच पर थोड़ी पकड़ बनाएगी। हालांकि पिच के ताज़ा और सख्त होने की उम्मीद है और बैटर्स को यहाँ पे ज़्यादातर मौका मिलेगा। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। वहीं आप बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 159 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम स्कॉटलैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे दोस्तों स्कॉटलैंड ने अब तक टूर्नामेंट में जबरदस्त स्टार्ट किया, अब तक टीम हारी नहीं है और यहाँ पे टीम के पास मौका होगा सुपर 8 में जाने का। लास्ट के में ओमान को हराया था, जहाँ पे जॉर्ज मुंसे माइकल जॉन्स के साथ ओपनिंग करेंगे। मुंसे ने लास्ट गेम 41 रन बनाए थे। नंबर 3 पे बात करेंगे जो कि ब्रेंडन मैकमुलन, महज 31 बॉल में 61 रन बनाए थे। वहीं पर कप्तान रिची बैंगटन जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, जहाँ पे स्कॉटलैंड का मिडिल ऑर्डर उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहाँ पे माइकल लिस्क और क्रिक ग्रेस रन बना रहे हैं। अगर टॉप ऑर्डर फेल रहता है तो स्कॉटलैंड को उनसे ऑस्ट्रेलिया क्लब बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद होगी, जहाँ पर क्रिस सोल के साथ ब्रैडली विल बॉलिंग की उनका लीड करेंगे। दोनों ने एक एक विकेट भी लिए हैं। दूसरी ओर मार्क वॉट, जो T20 में स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है, उन्होंने 7 से कम इकोनॉमिक से 77 विकेट लिए हैं, जहाँ पे साफियान साहिब ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉर्ज मुंसी है, माइकल जॉन्स है, ब्रेंडन मैकमुलन है, रिची बैंगटन है, मैथ्यू क्रॉस है, माइकल लिस्क है, क्रिक ग्रेट्स है, मार्क वॉट है, क्रिस्टोफर सोल है, ब्रैड विल है, ब्रैडली करी है। और अगर कुछ की प्लेयर की बात करेंगे जो कि जॉर्ज मुंसी है, रिची बैंगटन और ब्रैड कुरी है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया चैंपियन जैसे खेल रही है। वर्ल्ड कप आते ही टीम ने गजब की एनर्जी भी आ जाती है। लास्ट गेम में जिस तरह से टीम ने नामीबिया को एक तरफा रहा उसे देखकर तो यही लगता है टीम इस बार भी ट्रॉफी उठाना चाहती है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि ट्रेविस एट वार्नर है, वार्नर ने अब तक पूरी तरह फॉर्म में भी आ गए। मिडिल ऑर्डर में मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोन जो कि मेन बैटर होंगे, जिन पर सबकी निगाहें भी रहेंगे। ये तीनों ही खिलाड़ी मैच विनर हैं। फिनिशिंग में आपको मैथ्यू वेट, टिम डेविन ने बड़ा इंपैक्ट डाला है, जहाँ पर टीम ने 4 डेवलप बॉलर के साथ खेल रही है। फास्ट बॉलिंग में कमिंग, सेजलवुड किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है, जहाँ पे हेजलवुड ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्टैक की जगह नाथन एलिजस को मौका मिला था। एडम जंपर टीम के स्पिनर है, उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 8 विकेट लिए। वहीं पर मार्कस स्टोन टीम के 5वें बॉलर होंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेड है, मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, टिम डेविड है, मैथ्यू वेड है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंग्स है, एडम जंपा है, जॉस हेजलवुड है। वही अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि पैट कमिंग्स है, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलना प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। इस मैच में सबके फेवरेट ऑस्ट्रेलिया ही है, हालांकि स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। स्कॉटलैंड अगर यह ब्लड फेयर कर देती है वो इंग्लैंड को पछाड़ कर सुपर 8 में चल जाएगी। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्टैंड को देखते हो, हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।